एक लड़का अपने स्केटबोर्ड को लेके एक रैलिंग के पास आया। वो अपने फ्रेंड्स के सामने एक स्टंट करने वाला था। उसके वो तीनों फ्रेंड्स काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उस लड़के ने वो स्टंट परफॉर्म किया, उसके तीनों फ्रेंड्स खुश हो गए। लेकिन तभी उस लड़के का बैलेंस बिगड़ने लगा और वो उधर से सीधे नीचे की तरफ गिरने लगा और वो एकदम तेजी से जमीन पे आके गिर गया। उसको बहुत ही भयानक चोट आई थी। उसके तीनों फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर गए। वो तीनों उसे डर के मारे देखते रहे। तभी वो लड़का उठा। उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। लेकिन तभी उस लड़के ने कुछ नोटिस किया। उस लड़के के हाथ में बहुत ही दर्द हो रहा था और तब उसने देखा कि उसका हाथ पूरी तरीके से टूट चुका है। ये देख के वो चिल्लाने लगा। उसके तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर गए और उसका एक दोस्त वहां से डर के मारे भागने लगा। उसका हाथ 90 डिग्री पे टूट गया था और वहां पे कोई भी जॉइंट नहीं होता। उस समय उस लड़के को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे मदद की जरूरत थी। तभी उसकी एक दोस्त उसके पास आई और उसने उसे उठाया। वो उसे सहारा देके उसके घर पे ले जाने लगी। लेकिन तभी उसने एक चीज नोटिस की, उधर पास में ही एक एम्बुलेंस खड़ी थी और शायद उस एम्बुलेंस में कोई तो बैठा भी हुआ था। उस लड़की ने चिल्ला के कहा कि हमें मदद चाहिए और उसने वेव किया। उस एम्बुलेंस में जो बैठा था उसने शायद उस लड़की को देख लिया था। उसने उस एम्बुलेंस की लाइट चालू कर दी और उसे चला के उसके पास ले आया। और तभी उस एम्बुलेंस में से दो लोग निकले। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। उन्होंने उस लड़के का हाथ देख लिया। उन दोनों ने जल्दी से उस लड़के को एक स्ट्रेचर पे लेटाया और उसे एम्बुलेंस के पीछे वाली डिक्की में डाल दिया। वो लड़की भी उधर जाने लगी। लेकिन तभी उस एक आदमी ने उसे वहां पे गिरा दिया। उस आदमी ने कहा, पेशेंट्स ओनली। ये कहकर वो उस एम्बुलेंस में बैठा और उसे वहां से ले जाने लगा। वो लड़का चिल्ला रहा था और उसकी फ्रेंड कुछ भी नहीं कर पाई सिवाय उधर गिरे रहने के। देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए, वो लड़का अभी तक नहीं मिला। उस लड़के के तीनों दोस्त उसी जगह पे बैठे हुए थे और उनका स्केटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अपने मिसिंग फ्रेंड के बारे में ही सोच रहे थे। पुलिस को भी उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चला। इवन उस शहर के किसी भी हॉस्पिटल में उस लड़के को नहीं ले जाया गया था। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो एम्बुलेंस कौन सी है। उन तीनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका फ्रेंड कहाँ पे गया। और वो तीनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनको कुछ तो आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गाड़ी वहां पे आ रही है। तभी उसमें से एक लड़के ने कुछ तो नोटिस किया। उस लड़के ने कहा कि देखो, वहां पे वही एम्बुलेंस खड़ी है। उन दोनों ने भी उस तरफ देखा और उधर सही में वो एम्बुलेंस आ रही थी। ये वही एम्बुलेंस थी जिसमें उस लड़के को ले जाया गया था। वो बच्चे दीवार के पीछे छुप के उस एम्बुलेंस को देखने लगे। वो एम्बुलेंस वहीं पर रुकी। उस एम्बुलेंस में से वही दो लोग बाहर निकले। वो बच्चे काफी ज्यादा डर चुके थे और वो ध्यान से उस एम्बुलेंस में से निकले लोगों को देखने लगे। वो दोनों लोग एम्बुलेंस के पीछे की डिक्की में गए और उधर से एक बैग निकाला और उसे साइड में ही एक कोने में फेंक दिया। उसके बाद वो दोनों उस एम्बुलेंस में बैठे और वहां से चले गए। वो बच्चे जल्दी से उस बैग के पास भाग के जाने लगे। वो तीनों जैसे ही उस बैग के पास पहुंचे उन्होंने कुछ नोटिस किया, वो बैग हिल रहा था। ये देख के वो बच्चे काफी ज्यादा डर गए और तभी उस बैग में से कुछ निकला। उन्होंने जो देखा उससे वो काफी ज्यादा डर गए और उनमें से एक लड़का तो वहां से भागने लगा। बाकी दो बच्चे वहीं पे चिल्लाने लगे क्योंकि उस बैग में से उनका वही मिसिंग फ्रेंड निकला था। उसका हाथ ठीक हो गया था, जो कि काफी स्ट्रेंज था कि एक टूटा हुआ हाथ सिर्फ 2 हफ्ते में कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन अब उसका हाथ उसकी नॉर्मल पोजीशन पे फिक्स्ड नहीं था। उस लड़के की पूरी बॉडी को अजीब तरीके से ट्विस्ट कर दिया गया था। उसका मुंह उल्टी डायरेक्शन में था और उसके हाथ और पैर को पीठ में फिक्स कर दिया गया था। वो एक अजीब से जानवर की तरह लग रहा था। ये सब उस लड़के के साथ उस मिस्टीरियस एम्बुलेंस ने ही किया था और शायद वो लड़का उस मिस्टीरियस एम्बुलेंस का आखिरी विक्टिम नहीं था।